गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने लेसन फर्स्ट पथ मेरा आलोकित कर दो को मैंने एक्सप्लेन किया था। उसमें कवि इस संसार को बदलने की बात कर रहा है तथा अपने मन से अंधकार को दूर करने की बात कर रहा है। तो आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग करेंगे। तो मैं आपको वर्ड मीनिंग करवा रही हूँ, वो आप अपनी नोटबुक में राइट कीजिएगा। फर्स्ट है पथ का क्या मीन्स होता है? रास्ता। सेकंड है नवल, नवल का मीन्स होता है नवीन। थर्ड दे रखा है उर, उर का मीन्स होता है हृदय। फोर्थ, फोर्थ है पथिक, पथिक का मीन्स होता है राही, जो रास्ते पे चलने वाला होता है। फिफ्थ होता है मंगलमय, मंगलमय का मीन्स होता है कल्याणकारी, मंगलमय का मीन्स क्या होता है? कल्याणकारी। सिक्स्थ आता है वर, वर का मीन्स होता है वरदान। सेवन्थ आलोकित, आलोकित का मीन्स होता है, आलोकित का मीन्स होता है प्रकाशित। एट एट रश्मि, रश्मि का मीन्स होता है किरण। नाइन्थ विहग, विहग का मीन्स होता है पक्षी। टेंथ निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का मीन्स होता है बताया हुआ, निर्दिष्ट का मीन्स होता है बताया हुआ। फर्स्ट दे रखा है पथ, पथ का मीन्स होता है रास्ता। सेकंड है नवल, नवल का मीन्स होता है नवीन। थर्ड है उर, उर का मीन्स होता है हृदय। फोर्थ है पथिक, पथिक का मीन्स होता है राही। फिफ्थ है मंगलमय, मंगलमय का मीन्स होता है कल्याणकारी। सिक्स्थ है वर, वर का मीन्स होता है वरदान। सेवन्थ है आलोकित, आलोकित का मीन्स होता है प्रकाशित। एट्थ है रश्मि, रश्मि का मीन्स होता है किरण। नाइन्थ है विहग, विहग का मीन्स होता है पक्षी। एंड टेंथ दीर्घ है निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का मीन्स होता है बताया हुआ। ये मैंने आपको जो न्यू वर्ड्स करवाए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में करोगे। और अब मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर, मैं सिर्फ आंसर आंसर राइट करूंगी और जो क्वेश्चंस है वो आप अपनी बुक से नोट डाउन करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नों के उत्तर दो, प्रश्नों के उत्तर दो, उसका क्या पॉइंट है और क्या का मैं सिर्फ आपको आंसर करवा रही हूँ और आप उसका जो क्वेश्चन है वो बुक से नोट डाउन करोगे। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है कविता में किसको आलोकित करने की बात की गई है, मींस कविता में किसको प्रकाशित करने की बात की गई है। तो आंसर राइट करो, कविता में पथ को यानी रास्ते को आलोकित करने की बात की गई है। कविता में पथ को आलोकित करने की बात की गई है। कविता में किसको आलोकित करने की बात की गई है? कविता में पथ को आलोकित करने की बात की गई है। सेकंड क्वेश्चन आता है सेकेंड क्वेश्चन है कवि ने स्वयं को छात्र के रूप में क्यों प्रस्तुत किया है? क्योंकि छात्र का हृदय
छात्र का हृदय हर चीज को बहुत ही गहराई के साथ बहुत ही गहराई से लेता है और बहुत ही गहराई से लेता है और उसमें सीखने की जो गति होती है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है। उसमें सीखने की गति तीव्र होती है। कवि ने स्वयं को छात्र के रूप में क्यों प्रस्तुत किया है? स्वयं को छात्र के रूप में क्यों प्रस्तुत किया है? क्योंकि जो छात्र का हृदय होता है वो हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा गहराई से लेता है और उसमें जो सीखने की प्रवृत्ति होती है, जो सीखने की गति होती है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है। वो हर एक चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। थर्ड क्वेश्चन आता है, कविता किसको संबोधित करके लिखी गई है? थर्ड क्वेश्चन है, कविता किसको संबोधित करके लिखी गई है? किसको संबोधित किया है कविता में? ईश्वर को। कविता ईश्वर को संबोधित करके लिखी गई है। कविता ईश्वर को संबोधित करके लिखी गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, कवि अपने हृदय से क्या मिटाना चाहता है? कवि अपने हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार मिटाना चाहता है। कवि अपने हृदय से क्या मिटाना चाहता है? कवि अपने हृदय से अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको मिटाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस स्तंभ की बात करता है? कवि हृदय के स्तंभ की कवि हृदय के स्तंभ की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो थे क्वेश्चन फर्स्ट के इतने पॉइंट। अब आता है क्वेश्चन सेकंड के पॉइंट। प्रश्न सेकंड, नीचे लिखी पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करो। जो पंक्तियां हैं वो आपकी बुक में दी गई है, मैं उनके भावार्थ आपको स्पष्ट कर रही हूँ। फर्स्ट दे रखा है, पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। तो इसका भावार्थ होगा, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे
मुझे विश्व के रास्ते पर चलने के लिए तथा आसमान में उड़ने के लिए कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे विश्व के रास्ते पर चलने के लिए तथा आसमान में उड़ने के लिए ऐसे पर दो जिससे मैं अपने निर्दिष्ट लक्ष्य तक जिससे मैं अपने निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकूं। कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं कि मुझे विश्व के रास्ते पर चलने के लिए ऐसे पैर दो तथा आसमान में उड़ने के लिए ऐसे पंख दो जिससे कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। सेकंड है, सेकेंड पॉइंट आता है, खैं धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे ऐसा कल्याणकारी वरदान दो जिससे कि मैं धरती को ही स्वर्ग बना दूं। कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे ऐसा कल्याणकारी वरदान दो, ऐसा वर दो आप मुझे जिससे कि मैं इस धरती को ही स्वर्ग बना दूं। मतलब कि वो धरती पे इतना बदलाव लाना चाहते हैं कि धरती लोगों को एक स्वर्ग के समान दिखाई दे। नाउ राइट योर होमवर्क, डू वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड इन फ्रेंड नोटबुक। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।